घटाव करने के लिए जा रहे हैं, परंतु प्रशासन मेरे लिए है, हम प्रशासन से पूरी कोऑपरेट हम भी करेंगे, प्रशासन से भी बात भी हमारे को करेंगे, हमें कोई डर भय नहीं है, हम सरकार को लड़ने नहीं आए, हम सरकार को वादा याद दिलाने आए हैं, हम न्याय मांगने आए हैं, और मुझे विश्वास है कि यही सरकार हमको वेतनमान देगी। हम जानते हैं शब्दों में कहा है कि सीएमओ से बात होगा, और अगर आधा घंटा के अंदर निर्णय नहीं लिया तो हम लोग बैठ कर निर्णय लेंगे और वो करके जाएंगे जो सोचा भी नहीं गया होगा। सभी लोगों से निवेदन होगा कि हाथ उठा करके नारा लगाएं, एक मान वेतन मान, वेतन मान, वेतन मान, वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा, वेतन मान देना।
धन्यवाद। एक बात, आज 17-18 बरस से राज्य सरकार में सेवा दे रहा है। अभी देखिए बिहार में अभी परीक्षा लेने की बात हो रही है, सरकार ने हटा दी नहीं तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरा भी कहना है सर कि यहाँ भी हम लोग 20 साल से 17 साल से कार्य कर रहे हैं और दो दो बार टेट पास, ऊपर से महाधिवक्ता का सर परामर्श है जितने भी चाय पानी भले कीजिएगा लेकिन जाइएगा नहीं, भीड़ कम होगा। सरकार को दिया सात घंटा की परीक्षा बताई अभी 5200 मेरा पहले का स्किल था 4400 उसको इन्होंने खत्म कर दिया। 5200 में 7 घंटे की परीक्षा लेने की बात करें तो हम लोग के साथ घोर अन्याय है। घोर अन्याय करने के लिए सरकार को हम लोग थोड़े बनाए थे, हम लोग के लिए न्याय कर रही सरकार। हम लोग वही आज गुहार यात्रा इस सरकार के लगाने आए हैं। अगर इस सरकार आज नहीं चलती है, हम लोग को मांग नहीं मांगती है तो इससे भी बड़ा आज हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पप्पू पटेल प्रखंड अध्यक्ष कुछ हद तक हम लोग रास्ता को पटरी में लाने का प्रयास कर दिए हैं। साथियों, बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और प्रयास का फल भी अच्छा मिला। विभागीय प्रयास के द्वारा हम लोगों को सीएमओ से बात हुई, परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके प्रधान सचिव अभी रांची में वर्तमान नहीं है, उनका कार्यक्रम बीआईटी मिश्रा में चल रहा है। तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में सचिव जी को बनाया गया था, परंतु सचिव जी भी चुनाव आयुक्त होने के कारण दिल्ली में है। तत्पश्चात लगातार बात हुई, फिर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के रूप में हमारे परियोजना प्रशासकीय अधिकारी जयंत मिश्रा जी को मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बनाया गया और उन्होंने से हमारी लगातार बात हुई। जयंत मिश्रा जी ने प्रतिनिधि के रूप में हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए सरकार जल्द रास्ता खोलने वाली है, इसके लिए विभागीय बैठक 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोगों का विभागीय बैठक होगी और उस बैठक में हाई लेवल कमेटी की बैठक होगी, उसमें आपके प्रतिनिधि के बीच में सभी प्रतिनिधि रहेंगे और वेतन मान पर चर्चा होकर के वेतन मान कैसे प्राप्त हो इसका रास्ता साफ होगा और आप लोगों को वेतन मान दिया जाएगा। साथियों, संघर्ष हम लोग को छोड़ना नहीं है, लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बीच में लगातार सीएम सर से भी हम लोग को संबंध हुआ, दो मरते सीएम सर से भी हम लोगों को बात हुआ, एक बार सचिवालय हुआ, कैबिनेट का बैठक 11 तारीख को भी हुई थी सांकेतिक रूप में और दूसरी बैठक 13 तारीख को माननीय मंत्री जी जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के विधानसभा क्षेत्र में नावाड़ी आए थे उस समय हम लोग को 11 तक बोला गया था 13 तारीख को आप लोग आइएगा, आप लोग से बात की जाएगी। उस समय भी हमारे 5 सदस्यीय टीम ने सीएम से पूरे साक्ष और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात रखी गई। हमारे श्रीमान घोषाल जी ने सीएम साहब को समझाने में भी सफल हुए, उन्होंने कहा था सीएम साहब ने कि अभी आप हमको फाइल दे दीजिए, फाइल को मैं अध्ययन करूंगा, अध्ययन करने के बाद आपकी जो मांग है वेतन मांग को मेरे संज्ञान में है और मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए समीक्षा करूंगा और वेतन मांग का रास्ता कैसे निकले इस पर मैं विचार करूंगा। साथियों, हम लोग सभी तरीके से वेतन मान प्राप्त हो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और विभाग के अधिकारी लोग से भी, उन लोगों को भी कहना है कि आप लोग सभी रास्ता से अपनाते हुए वेतन मान प्राप्त करें
और हम लोगों भी प्रयास है कि सभी रास्ता अपनाते हुए भी वेतनमान प्राप्त करने के लगातार प्रयास में है और जल्द ही बैठक इस पर होगी। हम लोग सारे बिंदुओं का जो विभागीय तरफ से आता है कि नहीं, सबसे बड़ा मामला रोस्टर का आता है, परंतु रोस्टर के कार्ड के लिए भी हम लोग ने साक्ष एकदम अपने पास रखे हुए हैं। 2008 में आप लोग एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 2008 में सचिवालय कर्मी का समायोजन हुआ, झारखंड में पहली बार किसी कर्मी का समायोजन हुआ है तो सचिवालय कर्मी का समायोजन हुआ है, उसका भी हम लोगों ने नियमावली मंगा लिया है, उसमें भी रोस्टर को शिथिलता बरतते हुए सचिवालय कर्मी को समायोजन किया गया था। जब सचिवालय कर्मी को रोस्टर का शिथिलता बरतते हुए किया गया है तो हम सहायक अध्यापकों को भी रोस्टर का शिथिलता बरतते हुए सरकार को समायोजन करना होगा, जिसकी साक्ष और सबूत हम लोगों ने उपलब्ध कर ली है और 25 जून 2018 को भी उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सहायक अध्यापकों का जो नियुक्ति हुई है वो वैध है, उसका भी हम लोगों ने साइंस कॉपी निकाल ली है। सिर्फ हम लोग इंतजार है कि हाई लेवल कमेटी की बैठक हो तो एक से एक साक्ष सबूत के साथ उनके पास रखा जाएगा ताकि तर्क के आधार पर अधिकारियों को हम लोग हरा करके वेतन मान प्राप्त करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। संजय मेहता जी अपनी बात को रखेंगे। संजय मेहता सर जी,